गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है एलिफेटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक एल्कोहल पढ़ लिया गया था बेटा। उसमें टाइप ऑफ रिएक्शन किस टाइप की होती है वो देख लिया गया था बेटा। आज हम थोड़ा सा और केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, थोड़ा एक दो नेम रिएक्शन लिखते हैं एरोमेटिक एल्कोहल में फिनॉल में, ठीक है बेटा। तो जो पहली रिएक्शन है नेम रिएक्शन बेटा, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये नेम रिएक्शन। ओके, ये पहली रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। फिनॉल लिया था और यहाँ पे NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 को मीडियम कैसा ले लिया था बेटा, एसिडिक मीडियम लिया था। ये डायरेक्ट बन जाता था सैलसिलडिहाइड OH और CHO, इसको बोलते बेटा सैलसिलडिहाइड। तो ये रिएक्शन आपको दिख जाए कहीं या कुछ इस तरीके की दिख जाए, यहां पे ये एक्वस है बेटा, ठीक है ना, यहां एक्वस लिख लेना, ये प्लस CHCl3 कुछ इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, तो बनता ही है ONa और यहां पे लग जाता है CHCl2। ओके, ये इंटरमीडिएट बनता है। अब यहां पे फिर से रिएक्शन हो जाती है किसकी, रोडा, फिर से एक्वस NaOH की रिएक्शन करा देते हैं। अब आपको पता है बेटा एक्वस NaOH क्या करता है, एक्वस NaOH ये करता है ये जहां पे ये बेटा CH है, जहां पे ये दो Cl है ना, वहां पे दो OH आ जाएंगे क्योंकि एक्वस NaOH Cl को रिप्लेस कर देता था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ONa, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा इससे, तो क्या बनेगा ONa और ये CHO। अब इसको क्या है, सोडियम है बेटा यहाँ पे, तो इसको हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा सैलसिलडिहाइड। ये बेटा इसको क्या बोलते हैं सैलसिलडिहाइड। ऑर्थो पोजीशन पे सैलसिलडिहाइड बना इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए ये मेजर बनता है, ठीक है बेटा, मेजर प्रोडक्ट ये सैलसिलडिहाइड बनता है ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से स्टेबल ज्यादा होता है। ओके बेटा, थैंक यू। तो बेटा यहाँ पे इस तरह से देखो कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये ऑर्थो पोजीशन वाला है। तो आप ये ना सोचना कि सर आपने पहला पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इंटरनल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी वजह से ये स्टेबल ज्यादा बनेगा मेजर प्रोडक्ट होने का, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आ जा रहा है कि रैमन टाइमन रिएक्शन की भाई स्टेप वाइज अगर एक ही स्टेप में आ रही बेटा, तो इस तरीके से डायरेक्ट बना दोगे
अगर दो स्टेप में आ रही है कि भाई पहले ये दे दिया गया, फिर ये दे दिया गया, फिर एसिड दे दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेप वाइज बना सकते हो। वैसे मैकेनिज्म मैं बताऊंगा ही, तो लोग भी मैकेनिज्म सीखते हैं क्या है इसकी। इसके मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, मैकेनिज्म में इसकी क्या है, रामेट एमएम की देखो क्या होगा कि स्टेप नंबर जो फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म है, CH3, ठीक है ना। CHCl3 आपको पता है बेटा स्ट्रक्चर कुछ का है, कुछ इस तरीके का होगा, ये CHCl है। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्या कार्बन है, तो क्लोरीन अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा, नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब आपके पास उस इसमें क्या है बेटा, NaOH भी है, तो NaOH के पास OH माइनस होता है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, क्योंकि ये बहुत एसिडिक हो जा रहा है, तो एस प्लस क्या करेगा, छोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन अपना देने की कोशिश करेगा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो ये क्या हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको इस तरफ इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो इस पे चार्ज कैसा जाएगा, पॉजिटिव, और उसी मोमेंट पे ये क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, उसी मोमेंट पे ये OH इस पे अटैक कर देगा, ये नहीं वाले बॉन्ड किसके पास आ गए, इसके पास आ गए, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, देखो Cl लोन पे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब तुम सोचो कि आपके पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, कौन, क्लोरीन। क्लोरीन जब क्या है बेटा, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन एटम्स, ये क्या करेंगे, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इसकी तरफ। अब क्या होगा, तुम सोचो बेटा, यहाँ माइनस चार्ज है, बोलो, ये माइनस चार्ज को कम करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेगा, जब को बॉन्ड कार्बन से तोड़ लेगा तो कार्बन पे कैसा ये चार्ज हट जाएगा बेटा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, बोलो, हटेगा, सी है ये ना, सी माइनस ये बचा, और ये क्या बचा बेटा, सीएल और सीएल, ये माइनस तो चार्ज हट गया, ये आ गया, ये होता है डाइक्लोरोकार्बीन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन, ओके, डाइक्लोरोकार्बन। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 1 2 3 4 कितना हो गया बेटा, 1 2 3, मतलब sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि भाई डाइक्लोरोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो आप इस तरीके से बताओगे। तो यार आपको समझ में आ गई क्या हुआ क्या बना। अब स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होगा बेटा, देखो आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये फिनॉल है, और यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ये OH है, OH फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो बेटा, इस वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी के बहुत जल्दी छोड़ने की कोशिश करेगा, बोलो बेटा। और सोडियम क्या हो, जब ये टूट जाएगा तो सोडियम यहाँ पे अटैक कर देगा ऑक्सीजन पे, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया बेटा, बोलो, O माइनस Na प्लस ये बना। आपको पता है क्या पता है बेटा, बोलो, आपको ये बात पता है कि ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये जो आया है निगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब ये जो इस निगेटिव चार्ज आया है, ये डाइक्लोरो जो है बेटा, CCl2 जो है ये अटैक करेगा, क्योंकि आप कार्बन के पास देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव डेंसिटी आएगी, ये अटैक कर देगा किस पे, ऑर्थो पे क्या करेगा बेटा, अटैक करने की कोशिश करेगा, बोलो, ये अटैक जब करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, बताओ, ये इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे CCl2 आ जाएगा, बोलो बेटा, ये आएगा CCl2। अब ये जो CCl2 आया है, ये किसकी वजह से आया है बताओ, ये इसकी वजह से, डाइक्लोरोकार्बिन की वजह से आया है बेटा, बोलो बेटा, और यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड तो है ही,
अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, फिर से NaOH की रिएक्शन करा देनी है, करा देंगे, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ना बेटा, ये बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यह बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन भी तो है, ये देखो ये बॉन्ड टूटा था ना बेटा, तभी तो यहाँ निगेटिव आया था ना बेटा, बोलो यहाँ निगेटिव आया था ना, बोलो ये बॉन्ड टूटा था कि नहीं, इस तरीके से टूटा था। सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जो पहला स्ट्रक्चर था ना बेटा कौन सा था, ये जैसा कि ये अटैकिंग हो रही है बेटा यहाँ पे, तो ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, अब इसको तोड़ दो, अब इसको अटैक करा दो, कहाँ पे, निगेटिव पे अटैक करा दोगे तो ये कुछ बनेगा वैसा, बोलो बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसकी क्या हुई है, एरोमेटिसिटी क्या हुई है, कम हो गई है ना, बोलो एरोमेटिसिटी कम हुई कि नहीं हुई बड़ा बड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पहले तो यहाँ पे आ जाएगा ये OH, ONa आ गया प्लस C, यहाँ पे प्लस, H है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको दे दिया, और ये प्लस के फॉर्म में आते आते ये यहीं पे अटैक होता देगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि कार्बन की क्या है, एक दो तीन, तीन ही बॉन्ड बना रखा है, तो एक बॉन्ड की कमी है ना बेटा, बोलो ये क्या करेगा, फिर बन जाएगा क्या बेटा, बोलो ये बन जाएगा, ये तो कंप्लीट हो गया, ये बन जाएगा C, ये H आ गया, और ये वाटर, क्योंकि एक कार्बन पे कभी दो OH स्टेबल नहीं रहते हैं, क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या बचाएगा, OH बचा कि नहीं, O बचा, O केवल, ये तो सोडियम फिनोक्साइड तो था ही बेटा, ठीक है। अब इसका क्या, सोडियम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच प्लस यानी हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में, सीधे सीधे क्या बन जाएगा बेटा, सैसल्डिहाइड, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो बेटा ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछना, कोई डाउट हो तो, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसकी थी, रेमर टेमन की रिएक्शन होगी। अब हम पढ़ेंगे कोलबे रिएक्शन, ओके बेटा, ये दूसरी है कोलबेज रिएक्शन, कोलबे ने बनाया था बेटा सल्सिलिक एसिड, ओके, कोलबे ने क्या बनाया था, सल्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, दूसरी नेम रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब एसओपीएस लगा हुआ है कोलबेस रिएक्शन, देखो क्या होगा इसमें, देखो बेटा, या तो एक ही स्टेप में होगी या तो एक से अधिक स्टेप में, एक एक स्टेप में अगर हो तो किस तरीके की होगी बेटा, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH प्लस CO2, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर एक से अधिक स्टेप में है तो किस तरीके की होगी बेटा, सोडियम फिनोक्साइड जैसा बनेगा, मतलब एक से अधिक स्टेप में अगर होना हो तो कैसे बनाओगे,
साइड इसका एडजस्ट करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से भी रिएक्शन आ सकती है। यहाँ पे माइनस सोडियम लगाने का मतलब यहाँ माइनस भी लगा सकते हो बेटा, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, ये रिएक्शन हो गई कोलबेस रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म देख लो बेटा किस तरीके की है मैकेनिज्म, कोलबे रेखा के मैकेनिज्म देखो। जैसा कि मैंने बताया बेटा, यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल से रिएक्शन करेगा एक्वस। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने ये बोलता कि OH इस पे अटैक करेगा इस वाले इस पर, और सोडियम इस पे Na पे, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, और CO2 कैसी होती है बेटा, CO2 डबल बॉन्ड एसिडिक इन नेचर होती है, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे माइनस चार आएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ये क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पे या इस पे ये अटैक कर देगा, एसिडिक इन नेचर होती है तो बेस अटैक करेगी क्योंकि माइनस चार बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर CO2 होती है, ठीक है बेटा। अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, इस तरफ टूट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना बेटा देखो, ये सी डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड ये बना, और यहाँ पे देखो ये एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है, बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन होता है बेटा। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो दे देगा इसको, लेकिन यहाँ प्लस वे फॉर्म में होते हुए ये यहीं पर अटैक कर देगा ये। ओके, ये सोडियम फिनॉक्साइड तो है ही, तो क्या होगा बेटा, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड, ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा, वो मैंने बन गया। अब क्या करा दो, एसिडिक यहां से आपको हटा देते, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो H2O पर, ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये क्या होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यही वाला क्या होगा, क्या होगा बेटा, यही वाला ज्यादा मेजर स्टेबल बनेगा, मेजर कंपाउंड यही वाला बनेगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी किसकी, कोलबे रिएक्शन की। अब दो रिएक्शन और है बेटा, कन्वर्जन में काम आती है बेटा ये जिंक डस्ट से, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, ठीक है ना, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, फिनॉल की जिंक डस्ट से, ये OH है, यहाँ पे ZN लिख दो, ये बेंजीन बन जाता है। तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं, जिंक डस्ट का यूज करो बेटा, ये जिंक डस्ट है, ओके, ये फिनॉल से, ये कन्वर्जन में काम आएगी बेटा, कन्वर्जन में काम आएगी। तो कन्वर्जन में काम कैसे करते हैं देख लेना रिएक्शन में। और फिर है लास्ट बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल लिया बेटा, उसको ऑक्सीडेशन करवा दिया, वजह से आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ये बन जाता है, ये बॉडी रिएक्शन है बेटा, याद रखना इसको।
ये बन जाता है बेंजो क्विनोन, बेंजो क्विनोन, ओके, बेंजो क्विनोन, ये पढ़ना है, याद रखना इस चीज को, ओके। जो फिनॉल को ऑक्सीडेशन करवा दे तो बेंजो क्विनोन बनता है। तो ये था जो है एरोमेटिक एल्कोहल के डिटेलिंग डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा कल ईथर के बारे में, ओके बेटा, थैंक यू।